दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन दिनों यूपी में बीजेपी के लिए लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रही कंगना रनौत बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही हैं। पंजाब की ये दादी महिंदर कौर, याद है आपको, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तब कंगना ने 87 साल की इस बुजुर्ग महिला को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कह दिया था और उसके बाद उनकी फजीहत हुई थी जबरदस्त। दरअसल कंगना से गलती से मिस्टेक ये हुई थी कि कंगना ने ना किसान आंदोलन में पंजाब की 87 साल की बुजुर्ग महिला किसान मोहिंदर कौर को बिल्किस बानो समझ लिया। बिल्किस बानो कौन? जो शाहीन बाग में NTCAA प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा रही। मतलब गलती कंगना की थी जो उनके लिए कानूनी मुश्किल खड़ा कर चुकी है। खुद पर की गई इस गलत टिप्पणी पर 87 साल की पंजाब की महिंदर कौर ने उसी वक्त बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस करवा दिया था और अब 19 अप्रैल को बठिंडा कोर्ट में कंगना को पेश होने का समन जारी कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। याद कीजिए, कंगना लगातार दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में शामिल किसानों को खालिस्तानी, मवाली, गुंडे, पता नहीं क्या क्या कहती रही हैं। जबरदस्त कई महीनों तक उन्होंने जहर उगला है देश के किसानों पर। कंगना रनौत को किसानों ने पंजाब के कीरतपुर के आसपास घेर लिया था, याद है आपको, हमने आपको खबर भी दिखाई थी जब इसी टिप्पणी पर कंगना की किसानों ने विरोध किया, किसानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और माफ़ी मांगने की नौबत उनके सामने आ गई थी। हालांकि कंगना वहां से बड़ी मुश्किल से भागी और उसके बाद लोगों को समझाती हुई दिखाई दी कि भाई, मैं तो शाहीन बाग की प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, आपके बारे में बात नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से पंजाब की शान में कसीदे पढ़ने के बाद कंगना को और उनके काफिले को वहां से जाने की इजाज़त मिली। लेकिन अब मामला पहुंच गया है कोर्ट, जिसका कंगना कैसे जवाब देती हैं देखने वाली बात होगी। दोस्तों, हमारा चैनल मुश्किल दौर से गुजर रहा है, व्यूअरशिप लगातार गिर चुकी है क्योंकि हमें तमाम वीडियोस अपनी पुरानी डिलीट करनी पड़ी हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और बड़े स्तर पर हमारी वीडियोस देखिए ताकि हमारी व्यूअरशिप बढ़े और हम एक बार फिर से खड़े हो पाएँ। शुक्रिया।